मेरी मालकिन 20 साल के लड़कों की दीवानी थी। मैं भी भागकर मालकिन के काम करता, लेकिन एक रात मालकिन ने मुझे 5 लड़कों को ढूंढ कर लाने को कहा। मैंने अपने दोस्त जमा किए और सबको बुला लिया। रात हुई तो मालकिन ने सबको 5,000 देकर, आज रात तुम पांचों बारी बारी मेरे साथ। मेरे होश उड़ गए। जब मालकिन ने जब से मुझे नौकरी पर रखा था, मैं बहुत खुश था, क्योंकि वह मुझे तनख्वाह के अलावा भी रोजाना 500 कभी 600 पकड़ा देती थी। पहली बार जब मालकिन ने मुझे 500 का नोट पकड़ाया तो मैं तो हैरत से शक्ल देखने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे बालों को अपने हाथ से बिखेरा और कहने लगी, देखने में तो बड़े खूबसूरत नौजवान हो। फिर कहने लगी कि तुम्हारी उम्र के नौजवान तो वैसे भी बहुत मजे के हैं। मालकिन की बात कुछ ऐसी थी कि मैं 2 कदम पीछे हट जाता। वह तकरीबन 40 साल की औरत थी, लेकिन थी बड़ी खुश मिजाज। हर किस्म के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, हर वक्त मेकअप रहती थी, अपनी सेहत का और फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखती थी। मेरे पीछे हटने पर वह हंसने लगी, कहने लगी, क्या हुआ, इतने क्यों घबरा रहे हो। ये कहकर उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी मारी। फिर कहने लगी कि और भी पैसे चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। उन्होंने एक आंख अपनी बंद की थी, मैं तो उन्हें देखता ही रह गया था। ये कहकर मुस्कुराती वे वहां से चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था। बड़ी अजीब औरत थी। उनके पति काफी उम्र के थे, लेकिन थे बेहद अमीर। 80 साल की उम्र में भी वो आदमी पूरा काम कारोबार अकेले ही संभालता था। बाहर मुल्क भी जाता तो उन दोनों की कोई भी औलाद ना थी। मालकिन अपना ज्यादातर वक्त शॉपिंग और दूसरी एक्टिविटी में गुजारती थी, जैसे कभी किसी पार्टी में चली गई, कभी दोस्त के साथ कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना दिया। ज्यादातर वह घूमने फिरने में अपना वक्त गुजारती थी। कभी घर पर होते तो नौकरों के साथ हंसी मजाक करती रहती। मैं एक 30 साल का नौजवान था, लेकिन मैं गरीब घराने से था। गरीब होने के बावजूद मैं 12वीं तक पढ़ाई हासिल की थी, लेकिन मुझे नौकरी कहीं भी ना मिली तो फिर मैं मालकिन के घर में नौकरी कर ली। यहाँ पर तनख्वाह बहुत अच्छी मिल रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा ना था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये बात मुझे अपनी मालकिन की बड़ी अजीब लगती थी। वह ये थी कि इसके घर में कोई भी औरत नौकरानी नहीं थी, सभी आदमी थे, और वह औरत मर्दों से ही सारे काम करवाती थी। बावर्ची भी एक मर्द का, घर की सफाई के लिए भी एक मर्द नौकर था, और मैं घर के छोटे मोटे कामों के लिए था। ज्यादातर मेरा एक ही काम था कि मैं मालकिन के साथ हर वक्त रहता। वह जहाँ भी जाती मुझे ड्राइविंग भी आती थी, इसलिए गाड़ी भी मैं चलाता था। मेरे मजे ही थे कि वह जहाँ भी जाती, जिस भी पार्टी में जाती, मुझे अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाती पिलाती थी। फिर मुझे अलग से पैसे भी देती थी, इसलिए मैं उसके काम भाग कर करता था। वैसे तो मेरा नाम समीर था, लेकिन मालकिन मुझे सेम कहकर पुकारती थी। मैं भी बड़ा खुशी खुशी मालकिन के काम करता था। कभी कभी तो मैं खुद ही मालकिन से कहता था कि मालकिन जरा पान और बीड़ी के पैसे तो देना। वे खुशी खुशी मुझे 500 का नोट पकड़ा देती। एक दिन मैं मालकिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वह अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, जिसके साथ उन्होंने गपशप करनी थी, लेकिन मालकिन की दोस्त ने कहा कि वह किसी जरूरी काम में फंस गई है, इसलिए वह नहीं आ सकती। मालकिन ने यह सुनकर बुझ सी गई थी। फिर कह रही थी, चल सैम, आज मैं तुमसे बातें करती हूँ। वह मुझे मेरे बारे में पूछने लगी, तो बातों के दौरान ही न जाने उन्होंने क्या हुआ कि लगातार मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। फिर कहने लगी, जाकर 2 सिगरेट ले आओ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने कभी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं गया और 2 सिगरेट लेकर आ गया। एक सिगरेट उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मैं खुद भी सिगरेट का शौकीन था। दिन में 2-3 सिगरेट पी लिया करता था, इसलिए उनके हाथ से सिगरेट ले ली। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब मालकिन ने भी
अपने मुंह में सिगरेट ली और लाइटर से जलाई। मैं तो हैरान रह गया था कि मालकिन सिगरेट पीती है। मैं अपनी मालकिन को सिगरेट पीते हुए बड़े हैरत से देख रहा था कि उसने पहली बार सिगरेट पी है। वह किसी शौकीन सिगरेट पीने वाले की तरह से सिगरेट पी रही थी, लेकिन ना जाने क्यों सिगरेट पीते पीते वो किसी गहरी सोच में जा चुकी थी। मैं अपने इस मालकिन की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें मुझे पर नहीं थी, बल्कि मुझसे पिछले टेबल पर टिकी हुई थी। काफ़ी देर से वह बिना आंखें छपके ना जाने किसे देखे जा रही थी। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ एक नौजवान लड़का और लड़की बैठी थी। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि जैसे वह डेट पर आए हों। वो लड़की अपने घर रिश्ता लाने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन वह लड़का लगातार बहाने कर रहा था, अपनी गरीबी का रोना रो रहा था। मैंने गौर किया तो मालकिन की नज़र सिर्फ उस नौजवान की तरफ थी। वह लगातार उसे देखे जा रही थी और साथ में ठंडी आहें भर रही थी। अपने मुंह से सिगरेट के धुएं के गुब्बारे भी उड़ा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मालकिन की आंखें में नमी छा गई थी। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू से झिलमिलाने लगे। उसने अपने हाथ से अपनी आंखें रगड़कर साफ की, फिर मेरी तरफ देखा। मैं उन्हीं की तरफ देख रहा था। जब नजरों का मेल हुआ तो वे फौरन से नजरें चुराई, कहने लगी, सिगरेट के धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया है। लेकिन ये नमी तो उनके लहजे में भी घुली हुई थी। मैं वजह तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे आज मालकिन बड़ी दुखी सी लग रही थी। वरना वह तो हर वक्त मुस्कुराती हंसती रहती थी। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन घर चलें, तो वह कहने लगी, चले जाएंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। फिर उन्होंने सामने रखी प्लेट के ऊपर से टिश्यू पेपर उठाया और अपने पर्स में से एक ब्लैक कलर का पेन निकाला और टिश्यू पेपर पर ना जाने क्या लिखा, फिर लपेट कर मुझे दे दिया। कहने लगी, ये तुम्हारे पीछे जो नौजवान बैठे हैं उनको दे दो और उससे कहना कि मैंने दिया है। मैंने वह टिश्यू पेपर पकड़ा और उस नौजवान को दे दिया। वह मुझे देखने लगा, उसके सामने भी मुझे देखने लगी। वह कहने लगी, ये क्या है। मैंने पीछे मालकिन की तरफ इशारा किया। मैंने कहा कि वह मेरी मालकिन है, उन्होंने दिया है। उस लड़के ने पलट कर मालकिन की तरफ देखा, फिर उसने वह टिश्यू खोल कर देखा, फिर मालकिन को देख कर मुस्कुराने लगा और टिश्यू पेपर अपने शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा। अगर वह नौजवान मेरी मालकिन का जान पहचान का होता तो उठकर उनसे बोलता या मिलने ज़रूर आता, और अगर कोई अनजान था तो एक हसीन खूबसूरत कम उम्र लड़की के साथ बैठा हुआ था। वह मेरी 40 साल की मालकिन को क्यों लिफ्ट करवा रहा था, जिनकी ढलती उम्र के अंदाज से उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। ये सारा किस्सा उस टिश्यू पेपर पर लिखे हुए अल्फाजों का था, जो मैंने नहीं देखा था कि क्या लिखा है, जिसे पढ़कर वह नौजवान मेरी मालकिन को मुस्कुराकर देखने लगा था, और वह टिश्यू भी उसने फेंकने की बजाय अपनी जेब में डाल दिया था। कहीं ना कुछ तो गड़बड़ थी। बहरहाल मालकिन ने मुझे से कहा, चलो मेरे काम हो गया है। मैं हैरान था कि उनका कौन सा काम हो गया है। ये कहकर मालकिन खड़ी हो गई। हम वापस आ गए। घर जाकर मैं अपने क्वार्टर में जब लेटा तो मेरी आंख के सामने वही रेस्टोरेंट वाला मंजर आने लगा। बार बार उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अभी नींद में गया भी ना था कि जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई है। पार्किंग एरिया से जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। उस वक्त कौन था जो बाहर जा रहा था। मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर गया, अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोला और चलता हुआ लॉन की तरफ आने लगा। जब मैं लॉन में पहुंचा तो मैंने देखा कि बड़ी तेज़ी से गाड़ी मेन गेट से बाहर निकली थी। गाड़ी में मेरी मालकिन बैठी थी। वह उस वक्त खुले बालों के साथ और फुल मेकअप में अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि वह इस वक्त कहाँ जा रही है। जैसे ही चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया, मैं चौकीदार के पास आ गया। मैंने कहा कि मालकिन इस वक्त कहाँ जा रही है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखा, कहने लगा, तुम्हें क्या, तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले। ये सवाल तो कभी मालिक ने मालकिन से नहीं किया कि वह रात को इस वक्त कहाँ जाती है। मालकिन ने कभी किसी को इजाज़त नहीं दी कि
वह उनके साथ उनके मामलों में दखल दे। तुम कौन होते हो? चौकीदार की बात सुनकर मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया और सोचने लगा कि इसका मतलब कि मालकिन पहले से ही इस वक्त बाहर जाती है। मालिक भी नहीं मना करते, लेकिन वह इस वक्त जाती कहाँ है? वह भी इतने तैयार होकर। सुबह 5 बजे के करीब में मेन गेट पर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। यह मालकिन की गाड़ी की हॉर्न था। जब मालकिन वापस आई, सुबह के 5 बज रहे थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ था, सुबह के 5 बज रहे थे, ताकि आज का काम मालकिन से पूछ लूं, मगर उनका नौकर कहने लगा, मालकिन सो रही है, तुम अपने क्वार्टर में जाओ। जब मालकिन उठेगी और तुम्हें पूछेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। मालिक बाहर मुल्क में थे, और अगर वह घर पर होते तो भी। मालिक का कमरा अलग था और मालकिन का अलग। शुरू में तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, मालिक और मालकिन एक कमरे में क्यों नहीं रहते? फिर मैंने ये नोट किया कि मालिक ज़्यादातर बाहर मुल्क में ही रहते थे। जब भी आते, मालकिन का मूड ख़राब होता था। मैंने कभी भी उन्हें मालकिन के साथ बैठकर हंसते हुए बातें करते नहीं देखा था। अगले दिन जब मैं मालकिन के साथ बाहर गया तो मालकिन मुझे उस रेस्टोरेंट में लेकर गई जहाँ उस नौजवान से मुलाकात हुई थी। इस बार जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी थी। जैसे कि मालकिन रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, वह नौजवान एक टेबल पर बैठा घड़ी पर वक्त देख रहा था। जैसे ही मालकिन और मैं उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और नौजवान की नज़र मालकिन पर पड़ी, वो फौरन से खड़ा हो गया, मुस्कुराने लगा, जैसे उनका इंतज़ार ही हो। मालकिन थी भी उसे देख कर मुस्कुराई, मुझसे कहने लगी, आज तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं खुद ही खाना खाकर बाहर आ जाऊंगी। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि वह अगर अपने दोस्त से मिलने आई थी, वह मुझे साथ ही बैठाकर खाना खिलाती थी, कभी मुझे यूं बाहर नहीं भेजा था। मैंने कहा, जी मैडम। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए पलटा, मेरी मालकिन ने मुझे पुकारा और फिर मुझे 1,000 का नोट दिया। कहने लगी, बाहर जाकर खाना खा लेना। इस पर उनका अंदाज बड़ा गुस्से वाला था और अजीब सा भी था। ये कहकर वह उस नौजवान के पास गई, उससे हाथ मिलाया और फिर सामने कुर्सी पर उसके सामने बैठ गई। दोनों ही मुस्कुरा कर एक दूसरे से बातें करने लगे, पर मैं तो एक नौकर था, इसलिए बाहर आ गया। बाहर आकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। मैं अभी भी अपनी मालकिन के रवैये को समझ नहीं पा रहा था। वे किस किस्म की औरत थी? हमेशा नौजवान लड़कों की तरफ जाती थी। न जाने उस दिन उन्होंने क्या लिखा था, वह नौजवान उनसे क्यों मिल रहा था, और उसके खातिर उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था, जो कि मालकिन के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, जवान थी। शायद नौजवान ने मालकिन के पास दौलत को देखा था, जो कि मालकिन के पास बहुत थी। 6 घंटे बाद मालकिन वापस आई, बड़ी ही खुश थी। मुझसे पूछने लगी, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी खा लिया। मैंने खामोशी से गाड़ी चलाई थी। मैं बार बार मालकिन की तरफ देखने लगा, ना जाने वह किसी सोच में गुम थी, बस मुस्कुराए जा रही थी। जब वह गाड़ी से उतरने से पहले उन्होंने पर्स में से 2,000 निकाल के मुझे दिए। मैंने कहा, मालकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, इसलिए इसे रख लो, मैं तुम्हें ये अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैं वह 2,000 का नोट उनके हाथ से ले लिया, लेकिन गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गई। पहली बार मैंने देखा कि वह गुनगुनाते हुए घर के अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आज तो वाकई वह बहुत खुश थी, उनकी खुशी उनके चेहरे और अंदाज से छलक रही थी। अब मैं देख रहा था कि मालकिन रोज ही रात के 2 बजे कहाँ जाती है और सुबह 5 बजे वापस आ जाती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि मालकिन वापस रोते हुए आई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं सोच रहा था कि मालकिन को हुआ क्या है, मगर मुझे वजह समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन जब मैं काम के लिए लॉन में गया तो मालकिन सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं काफ़ी महीने से उनके साथ साथ रहता था, इसलिए मुझे उनसे कुछ लगाव सा हो गया था। मैंने कहा, मालकिन आपको क्या हुआ है, मुझे बताइए। मेरी बात सुनकर कहने लगी, सैम उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गया
था कि उस लड़के ने उनके साथ बेवफाई की है। मैंने कहा, मालकिन पति से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं होता। मेरी बात पर रोते हुए मुस्कुराने लगी, कहने लगी, जिस औरत को पति की चाहत ही ना हो फिर क्या करे। फिर कहने लगी, मुझे रात तक 5 लड़के चाहिए, अगर तुम मुझे दिला दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। यह सुनकर मैं उन्हें हैरत से देख रहा था। वे यह कहते हुए भी आंसू बहा रही थी। कहने लगी, इनकार मत करना, मुझे 5 नौजवान लड़के चाहिए, हर कीमत पर, आज रात, लेकिन अच्छे पैसे देने के लिए कह रही थी। और मेरे मोहल्ले में ऐसे नौजवान थे जो ये चाहते थे कि उन्हें भी ऐसा ही कोई काम मिल जाए जिसमें उनको अच्छे पैसे मिल सके। मैंने लड़कों से कहा तो वह सब तैयार हो गए, लेकिन मैं 5 लड़कों को ही लाया था और मालकिन के पास ले आया। मालकिन ने लड़कों को देखा तो उन्हें अच्छे कपड़े दिए और कहा कि पहन के तैयार हो जाओ। वे पहनकर तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया। फिर वह हम सबके साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंची। वह नौजवान भी वहां पर एक टेबल पर बैठा था। मालकिन को हम सबके साथ देखकर नजर छपकाना भूल गया था, ना जाने क्यों, मगर वह नौजवान गुस्से में था और फिर मालकिन के पास आकर कहने लगा, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज ना थी। मालकिन कहने लगी, जब तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते तो तुम्हें क्या मतलब, मैं क्या करती हूँ। यह सुनना था कि उस नौजवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, जो रिश्ता मेरा आपसे है वह मेरे मना करने से ख़त्म नहीं हो सकता। उसने तमाम लड़कों से कहा कि यहाँ से चले जाओ, खबरदार जो दोबारा इस औरत के साथ नजर आए। वे सब लड़के मुझे घूर कर देखने लगे, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मैंने कहा, भाई तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले। जब मालकिन को ऐतराज नहीं, वह नौजवान कहने लगा, मैं उनका बेटा हूँ और अपनी माँ के पास किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह लड़का मालकिन की पहले पति का बेटा था। मालकिन की मेरे मालिक से दूसरी शादी थी, पहला पति गरीब था इसलिए मालकिन ने उनको तलाक दे दी थी। पैसों के लालच में आकर मेरे मालिक से शादी कर ली। उनके पास बहुत दौलत थी लेकिन वह उनसे मोहब्बत और ध्यान नहीं देते थे। मालकिन बाद में पछताने लगी। उस दिन उन्होंने जब उस नौजवान को देखा तो अपने बेटे को पहचान लिया। उन्होंने टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिखकर दिया तो वह भी उन्हें देखकर जान पहचान गया। वह रोज़ उनसे मिलने जाती थी, कहती थी कि वह उनके पास आकर रहने लगे, लेकिन वह लड़का नहीं मानता था। कहता था कि मुझे ऐसी औरत के साथ नहीं रहना जिसने गैर मर्द के खातिर मेरे बाप को छोड़ दिया। इसलिए मालकिन उन लड़कों के साथ उसके सामने इसलिए आई थी ताकि वह बर्दाश्त ना कर सके, और वही हुआ था। उस लड़के ने मालकिन से अपना रिश्ता कबूल कर लिया लेकिन फिर भी उनके पास रहने नहीं आया था, अपने बाप के पास ही रहता था। हाँ, यह ज़रूर था कि वह रोज़ उनसे मिलने आता था और घंटे बातें करता था, और मैं ना जाने क्या सोचता था। कभी कभी सच वो नहीं होता जो आंखें देख रही हैं, सच कुछ और ही होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।